शनि ग्रह हमारे दुख के कारक हैं। शनि देव की पूजा में जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उससे जुड़ी मैं आपको तीन बातें बताना चाहती हूँ। पहला, आप देखते होंगे कि गली गली में हर शनिवार को साधु बाबा डोलची लिए घूमते हैं और घर घर जाकर आवाज़ लगाते हैं जय शनि देव। तो क्या होता है कि उस समय लेडीज़ घर के काम में बिज़ी होती हैं, वह सरसों का तेल नहीं दे पाती हैं, तो दो चार मिनट बाद उन्हें ध्यान आता है कि बाबा पड़ोस में ही तो गए होंगे, तो वह वहाँ से बाहर आकर बाबा को आवाज़ देती हैं कि बाबा तेल ले जाओ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब हमें अपने दुखों को आवाज़ नहीं लगानी है। दूसरा, शनिवार को आप किसी मंदिर में शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाते हैं या शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ तेल चढ़ाने के लिए अपने घर से ले जाते हैं या वहाँ से खरीदते हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि सारा तेल इस्तेमाल करके आना है, हमें तेल बचाकर घर वापस नहीं लाना है, मतलब हमने अपने दुखों को घर वापस नहीं लाना है। तीसरा, तेल चढ़ाते समय हमें शनिदेव जी की आंखों में नहीं देखना चाहिए, यह समझ लो कि वह जज हैं और हम अपराधी। हमें तेल उनके चरणों में चढ़ाना चाहिए और मैं तो कहूँगी कि तेल चढ़ाकर हाथ जोड़कर कान पकड़कर अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगकर उस बचे हुए तेल को मंदिर के बाहर रख दें, जो गरीब लोग बैठ रहते हैं उन्हें दे दें। अगर वहाँ आपको कोई बैठा नहीं दिखता है तो रास्ते में जाते हुए किसी को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतना समय आपके पास नहीं है तो उस बचे हुए तेल की बोतल मंदिर के बाहर रख दें ताकि कोई ना कोई जरूरतमंद उसको ले लेगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।